सक्सेस द स्कूल के तहत स्पोर्ट्स कार्निवल 2023 का आगाज। शहर हैदराबाद के मारूफ व मेयारी तालीमी इदारों में से एक सक्सेस द स्कूल, जो गुज़श्ता दो दहाइयों से न सिर्फ तालीम तरबियत का मरकज है बल्कि तलबा व तालिबात की मजमू तरक्की यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट का महवर भी है। चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। सबको नमस्कार। सबसे पहले सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हम नुमाइश में अपना पुलिस का आउटपोस्ट का इनॉग्रेशन करें। ये पुलिस का आउटपोस्ट 24 आवर्स सबको अवेलेबल रहेगा। इस बार के नुमाइश को हम पूरा पकड़बंदी के साथ बंदोबस्त अरेंज करें। टोटल कुल मिला के 133 तक पुलिस पर्सनल सारे अब यहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगे। उनके साथ शी टीम्स भी रहेगा और CCS वाला टीम्स भी रहेगा। तो अगर कोई लड़की को छेड़खानी करे तो हमारा ये आउटपोस्ट है और एक कमांड कंट्रोल सेंटर भी रहता है, वहाँ पे भी आके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और वैसे हमारे पूरे एग्जीबिशन में हम 21 आउटपोस्ट लगाए, 21 जगहों पे हमारे पुलिस वाले आपको आउटपोस्ट दिखते हैं। उसके साथ में ही 12 पेट्रोलिंग टीम्स रहते, हर बार घूमते रहते। तो आपको कुछ ना कुछ इश्यू, पुलिस के रिलेटेड इश्यू है तो आप पेट्रोलिंग टीम को भी पकड़ सकते हो, मिल सकते हो, या ये आउटपोस्ट को भी पकड़ सकते हो, मिल सकते हो, या ये यहाँ पे जो आउटपोस्ट है यहाँ इनको भी आप आके मिल सकते हो। इस बार हमने क्या किया, एक कमांड कंट्रोल सेंटर भी ACP के सजेशन पर एक स्टार्ट किया, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट रहेंगे। अगर कोई मिसिंग चिल्ड्रेन रहेगा या कोई मिसिंग पर्सन रहेगा तो सब भी आज का ये आउटपोस्ट को आ सकते हैं या कमांड सेंटर के वहाँ जा सकते हैं। तब वो एक कॉमन सेंटर रहेगा ऑल डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के लिए। इस बार पार्किंग के लिए भी स्पेशल फोकस ट्रैफिक वाले कर चुके हैं, तो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी और बेहतर करेंगे पुलिस वाले भी। विदाउट एनी इंसिडेंट वी एक्सपेक्ट हम ये पूरा नुमाइश कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ में भी फायर सेफ्टी का भी पूरा अरेंजमेंट हो चुके हैं। फायर सेफ्टी के हिसाब से भी वी आर प्रिपेयर्ड। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, सबको भी आके यहाँ नुमाइश आके एंजॉय करने के लिए मैं कोशिश कर रही। फुटेज भी है हमारे, बहुत सारे कैमराज रख चुके हैं, 85 कैमराज है CCTV, सबका भी वीडियो रखा, स्टोरेज भी रहेगा उसका, तो 45 डे स्टोरेज भी रहेगा। तो अगर कुछ इंसिडेंट हो गया तो भी हम उसमें देख के कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं।